हेलो गाइस, जिसका हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, नीट एग्ज़ाम हो चुका था May 7 को। उसके बाद हम लोगों ने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया कब स्टेट कट ऑफ मेरिट लिस्ट आएगा। रिजल्ट तो बहुत पहले निकल गया था, बट अभी हम लोग का स्टेट लिस्ट निकल के आया। बट ये जो स्टेट लिस्ट है, ये प्रिलिमिनरी है, ये फाइनल नहीं है। जो लिस्ट निकले हुए हैं अभी, हर कोई जाके, मतलब DME जो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, वो लोग नोटिफिकेशन डालेंगे। जितने भी लोगों का रैंक निकला लिस्ट अकॉर्डिंगली, एज पर वेरिफिकेशन के लिए वो लोग पूछेंगे, वेरिफिकेशन होगा। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट डोमिसाइल के बाहर से एग्ज़ाम दिए थे, उनका नाम नहीं है, तो लोग अपने अपने पेपर्स ऐड करेंगे, तो उस अकॉर्डिंगली एक स्टेट डोमिसाइल लिस्ट बनेगा। ऐसे भी बहुत से नाम हैं जो स्टेट डोमिसाइल के हैं नहीं, बट नाम यहाँ पे घुसे हुए हैं, वो नाम डिलीट हो जाएगा, तो उस अकॉर्डिंगली स्टेट डोमिसाइल्स के पूरा का पूरा लिस्ट निकलेगा। ठीक है, सब कुछ निकलने के बाद एक परमानेंट लिस्ट आएगा, और उससे पहले ऑलरेडी ऑल इंडिया का एडमिशन हो जाएगा। तो ऑल इंडिया का जब तक एडमिशन हो जाएगा, ऑल इंडिया का 20 से शुरू हो रहे हैं उनके, तो उनका काउंसलिंग हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स इस लिस्ट में होंगे जो ऑलरेडी ऑल इंडिया में ही उनके बहुत अच्छे से हो रहे हैं, एम्स वगैरह मिल जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो लोग स्टेट लिस्ट में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, तो वो लोग ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर चले जाएंगे, मतलब वो लोग बाहर ही रहेंगे। उस अकॉर्डिंगली हम लोग के पास जो लिस्ट है, एक्सपेक्टेड लिस्ट, जो हम लोग इस बार सोच रहे हैं कि हाँ चलो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है हम लोग के, के लिए एक्सपेक्टेड लिस्ट में हम लोग आएंगे AIQ फर्स्ट। जो लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे पास जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली अराउंड 622 स्कोर तक AIQ निकल जाना चाहिए। फर्स्ट काउंसलिंग ना हो, सेकेंड या थर्ड मिला के बाद पॉप अप तक, ये 622 तक ऑल इंडिया निकल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद से जो लिस्ट है अप टू 6598 तक, 617 से लेके निग्रिम्स, निकल जाना चाहिए अप टू 598 तक। इतना तक निग्रिम्स निकल जाना चाहिए, क्योंकि ओपन सीट्स होते हैं उसमें, ऑलरेडी इसका हो चुका है 2022 तक उनका लिस्ट भी निकल जाएगा। यहाँ पे लाइक नॉर्मली ओपन होते 18 सीट्स, तो केरला से कोई नहीं आता इसमें अप्लाई करने के लिए, ये ओपन रहते हैं। और निग्रिम्स एक बहुत अच्छा कॉलेज है, तो स्टूडेंट्स कम होते हैं, हाँ उनका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है, शायद इस साल नहीं अगले साल से वो लोग 100 स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाएंगे, बट अभी 50 स्टूडेंट्स तक ही एडमिशन करवाते हैं। इन दैट अकॉर्डिंगली मतलब एक बहुत बढ़िया कॉलेज, इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स के बीच में, प्रैक्टिकल्स बहुत सही होते हैं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे होंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सही है, तो उस अकॉर्डिंगली उसमें हाई जाता है बहुत। बट उसमें कोई कैटेगरी डिविजन नहीं होते हैं, तो लाइक एज पर मार्क्स उनमें एडमिशन होते हैं, तो वहाँ पर ये 598 तक निग्रिम्स हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो शुरू होगा, लाइक एज पर दैट UR कंडीशन हम लोग का शुरू हो जाता है, तो 596 से UR शुरू होना चाहिए। वहाँ पे भी हम लोगों के कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशन मतलब नॉर्थ ईस्ट ओपन कैटेगरी फॉर रिम्स, नॉर्थ ईस्ट ओपन कैटेगरी रिम्स, नॉर्थ ईस्ट ओपन कैटेगरी रिम्स, दैट इज LOR। वो डिपेंड करता है कौन कौन जाना चाहते हो, मतलब इस बार बहुत से लोग अफवाह है कि लाइक चलो रिम्स में इतना कुछ हंगामा हो रहा है, ये है वो है, एक्स है वाई है जेड है, बट रिम्स भाई रिम्स ही है, वो तो मानना पड़ेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है रिम्स, क्योंकि रिम्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। 50% रिजर्वेशन फॉर PG सीट्स, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, मेजर जितने भी PG ब्रांचेस है वो रिम्स में हैं, तो एक अलग सा सेक्टर देता है, बाकी पढ़ाई का पैसा वैसा सब कुछ कम है, वो एक सेपरेट थिंग है। अभी आप लोग बोलोगे जान है तो जहान है, भाई
कोई स्टूडेंट को कोई कुछ नहीं करेगा, वो ट्राइबल लोगों का प्रॉब्लम है, वो लोग संभाल लेंगे, और ये प्रॉब्लम्स टेम्पोररी है, बट लाइफ एंड फ्यूचर ये परमानेंट होता है, ये टेम्पोररी नहीं है। सो वहाँ पे कुछ भी कुछ हो जाए, आराम से रिम्स ही है, तो जिनको रिम्स मिल रहा है वो लोग आराम से रिम्स ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी रेगिंग वगैरह बहुत लोग सुनाते हैं, हो सकता कुछ प्रॉब्लम, इवन नॉट इवन इन नी रिम्स ऑल्सो, आराम से जो लोगों को जिम मिल रहा है वो बाहर जा सकते हो। एटलीस्ट बेटर हम लोगों को जो मिलेगा वो हम लोग अचीव करना चाहिए, क्लियर। इन दैट केस निग्रीम्स मतलब नॉर्थ ईस्ट ओपन कोटा, उसमें आसाम, नॉर्थ ईस्ट में आसाम इसमें एक्सक्लूडेड है, आसाम एक्सक्लूडेड है, तो आसाम को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उसमें वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी स्टेट्स के जो लिस्ट मेरे पास है उस अकॉर्डिंगली त्रिपुरा के स्टूडेंट्स के मिलने का चांसेस उसमें हाई रहता है हर एक साल। लास्ट ईयर भी अराउंड आउट ऑफ 10 9 स्टूडेंट्स दैट फ्रॉम त्रिपुरा से ही गए थे, तो इसका एक हाई जोन चांस होता है उससे 8-9 स्टूडेंट्स निकलने का। तो इन दैट केस ऊपर वाले लोग अगर ओपन कोटा के लिए अप्लाई करोगे तो आराम से पहले UR में 7-8 लोग जो है अप टू 586-580 तक, उन लोगों का चांसेस बहुत हाई है। अप टू 580 तक अगर वो लोग ओपनली अप्लाई करते हो, उन लोगों का चांसेस बहुत हाई है रिम्स ओपन कोटा में मिलने का। उसके बाद हम आ जाते हैं रिम्स ओपन कोटा के बाद रिम्स के EWS कोटा कैटेगरी। ये सब कुछ अलग अलग उनके अलग अलग उनके वेबसाइट में अलग अलग टाइम पे देंगे। जो लोग ओपन कोटा में करेंगे वो लोग EWS में नहीं कर पाएंगे, जो लोग EWS में करेंगे वो लोग ओपन कोटा में नहीं कर पाएंगे, मतलब दोनों के ऑप्शंस होंगे। अगर हाँ EWS से किए हो बट स्कोर एज पर वो ओपन कोटा के लिए आ जा रहा है तो तुम ओपन कोटा भी ले सकते हो वहाँ पे जाके, बट अप्लाई तुम किसी भी एक में करोगे, आइदर ओपन कोटा और एल्स EWS। तो रिम्स EWS ऑब्वियसली हाई डिमांडेड कंडीशन जाते हैं वहाँ पे भी, क्योंकि मणिपुर मैक्सिमम OBC स्टूडेंट्स है, तो OBC वाले EWS अप्लाई नहीं कर पाते, तो वहाँ पे मणिपुर के स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। बाकी भी स्टेट्स में जितने भी स्कोर्स हैं वहाँ पे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स कम रहते हैं, और स्कोर अकॉर्डिंगली भी त्रिपुरा का स्कोर वहाँ पे हाई रहता है, तो वहाँ पे भी त्रिपुरा के स्टूडेंट्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लास्ट ईयर लास्ट दो साल 10 में 10 ही ऑलमोस्ट त्रिपुरा को मिला, एक छोड़ के 9 मिला था, तो इसमें भी 10 सीट होते हैं, तो 10 में से भी यहाँ पे 8-9 EWS चांस है। तो जिनके EWS रैंक लिस्ट पहले 10 में है उनका चांसेस इसमें मिलने का बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया है, तो ये लोग अपना हिसाब से ये अप्लाई कर सकते हो, इनको ये सब मिल जाना चाहिए, मतलब इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ये उनका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं UR में। अगर ऊपर से हम लोग UR देखते हैं मतलब AGMC के लिए, तो UR कंडीशन में AGMC एज पर माई कैलकुलेशन वो 530-533 के बीच में हो जाना चाहिए, मतलब UR इन AGMC वो 530-533 इस रेंज पे होना चाहिए। मैंने जो बोला था मेरा पहला वाला वीडियो पे लाइक आफ्टर एग्जाम्स मैंने जो बोला था कट ऑफ वाला, वो प्लीज़ देख लेना, वहाँ पे मैंने इतना स्कोर दिया था। सो इन दैट केस स्कोर मैंने जो दिया था वही वहाँ पे फिक्स हो रहा है 530-533। लोगों ने बहुत से कट ऑफ दिए, बहुत हाई मार्क्स बोले थे, बट मैंने जो बोला था वही रेंज पे आ रहा है 530-533, उस रेंज पे ही मेरा स्कोर जाएगा। लास्ट ईयर के स्कोर के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर जा रहा है, तो लाइक इस रेंज पे UR AGMC निकलना चाहिए। अब हम लोग आते हैं TMC। तो TMC एज पर मनी इश्यूज इसमें मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों के पास नंबर होगा बट पैसे के लिए वो लोग एडमिशन नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए बहुत अप्स एंड डाउन्स होगा, तो यहाँ पे हम लोग साइलेंट रह रहे हैं TMC के लिए। अभी आ रहे हैं हम लोग SC में। अगर हम लोग SC में देखेंगे ऑल इंडिया के लिए तो बहुत से निकल जा रहे हैं, तो वहाँ पे AIQ अप टू 583 भी AIQ निकल जाना चाहिए। 559 में क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ, चांसेस है वो अगर 559 SC में जो स्टूडेंट्स हैं 559 एज वेल एज 556 वो लोग अगर मॉपअप तक बैठते हैं शायद उनका एक चांसेस हो सकता है, बट अगर वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते तो उनका रिम्स तो श्योर हो रहा है, रिम्स में 1 और 2 रैक्स में उन लोगों का रिम्स हो जाएगा। इन दैट केस SC में अगर हम लोग खींचेंगे पूरे AGMC के लिए, मतलब आफ्टर रिम्स दोनों को रिम्स हो जा रहा है, अगर वो लोग मॉपअप तक बैठते हैं शायद देयर इज अ चांस, ह्यूज चांस ऑफ देयर ह्यूज
99.99% चांस उन लोगों को ऑल इंडिया मिल जाए। लास्ट ईयर के ऑल इंडिया कैटेगरी के स्कोर कार्ड से भी अगर मैच करेंगे तो इनका हो जाना चाहिए। तो अगर वो लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं मॉपअप तक, और नहीं बैठेंगे तो लाइक उनका रिम्स तो है ही वहाँ पे। तो स्ट्रेट रिम्स स्ट्रेट मॉपअप के पहले अगर उनका मॉपअप हो जाए तो वो लोग आराम से उसको सीट को छोड़ के वो लोग ऑल इंडिया के लिए बैटर के लिए जा सकते हैं, तो वो रिम्स के सीट स्टेट के लिए ओपन हो जाएंगे। तो वहाँ पे एससी के जो स्टूडेंट्स हैं एससी के एस पर एससी अगर मैं कंसिडर करूँगा एजीएमसी में एससी के टोटल 16 सीट्स होते हैं और रिम्स के दो तो 18 सीट्स टोटल मिला के, तो उस हिसाब से एससी के ऑलमोस्ट 473 तक ये रेंज में जाना चाहिए। 74-73 इस रेंज तक SC का AGMC निकलना चाहिए। मतलब बहुत कुछ ऊपर नीचे ना हुआ तो ये फिक्स हो सकता है। सेम एज ST अगर हम लोग देखेंगे ST में इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ ST में, इवन स्कोर कट ऑफ भी बहुत हाई गया है। तो अप टू 500 प्लस जो लोग हैं 537 रिचर्ड वो तक जो लोग हैं 537 उनका ऑल इंडिया आराम से हो जाना चाहिए। बाकी जो है ST के रिम्स के चार सीट आएंगे, तो रिम्स के चार सीटों के बाद बाकी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं 343 ST AGMC 343 से 344, मतलब इस रेंज तक 344 से 43 इस रेंज पे ST में AGMC निकल जाना चाहिए, इसमें AGMC होना चाहिए। मतलब ये मेरा अप्रॉक्सीमेट है। और अगर हम लोग EWS जनरल में देखेंगे AGMC के लिए जनरल UR EWS AGMC अगर हम लोग इसको देखेंगे 474 to 470 तक निकल जाना चाहिए UR EWS AGMC। मतलब अगर सब कोई अपने अपने हिसाब से जो सीट मिल रहा है अगर सब कोई अपने से पिक कर ले तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटीज यहाँ तक जाने का। तो ये बाकी तो इससे भी नीचे आ सकता है क्योंकि UR मैंने यहाँ पे बहुत से डाल चुके हैं ये सीट, मतलब EWS का सीट डिपेंड्स ऑन द रिम्स कंडीशन, और अगर सब कोई सीट लेते हैं UR तो उस अकॉर्डिंगली तो हिसाब से EWS अप टू 447 तक जाना चाहिए। मतलब अगर रिम्स वाले सीट हर कोई लेंगे तो 447 तक, मतलब बहुत नीचे आ सकता है ये सीट 447, मतलब अभी वाले शेड्यूल अकॉर्डिंगली। ये टेम्पोररी है बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर फ्रेश आ गया मैं तो फिर फ्रेश इन डालूंगा, बट अब तक के लिए दिस आर द एक्सपेक्टेड कंडीशंस। वट एवर आई मैसेज UR EWS AGMC वो 447 तक जाना चाहिए अगर अभी के लिस्ट के अकॉर्डिंगली, अगर सब कुछ सही जा लाइक हर कोई रिम्स वगैरह ले ले और AGMC तक आ जाए तो 447 तक जाना चाहिए। अगर हम लोग देखेंगे ST के AGMC वो अराउंड 344 to 343 तक AGMC ST के होने चाहिए। SC के AGMC 473 to 473 उस रेंज तक हो जाना चाहिए। UR AGMC 530 to 533 इस रेंज में हो जाना चाहिए। रिम्स EWS 8-9 सीट्स निकलेंगे तो वहाँ से उसके अकॉर्डिंगली नीचे तक हम लोग जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट ओपन रिम्स आसाम एक्सक्लूड है, वहाँ पे 8-9 सीट, मतलब 580 तक तो आराम से वहाँ पे ये मिल जाना चाहिए, बहुत अच्छा सीट है ये। एक्सपेक्ट कट ऑफ AIQ 622 तक ऑल इंडिया हो जाना चाहिए अप टू मॉपअप तक। निग्रिम्स 590 तक तो हो जाना चाहिए, मतलब जो लोग अप्लाई किए हो। तो इन दैट केस इससे कुछ ऑफेंडेड होने का कोई मतलब दिल दुख मिलने का कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जिनका हुआ है ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, एंड जिनका नहीं हुआ है कुछ खराब लगेगा बट फाइन, अगेन रिवर्स करो अपने डिसीजंस को, अगेन बैक टू दैट वर्क एंड बैंग ऑन योर पार्ट। अगर तुम लोग करोगे तो तुम लोग अच्छा सा बहुत अच्छा मिल सकता है, दैट आई हैव द बिलीव। अभी तक तुम लोगों से मिला नहीं, मैं जिन लोगों से मिला हूँ उन लोगों से बात करके बोल रहा हूँ, तुम लोग भी हो
तो डेफिनेटली आराम से कर सकते हो. और कुछ भी इश्यूज हो रिगार्डिंग दिस कट ऑफ एंड ऑल, तो डेफिनेटली मैंने नंबर दिया हुआ है 9484007122. यू कैन मैसेज मी, टेक्स्ट मी, लाइक डेफिनेटली ऑन व्हाट्सअप. सो आई विल रिप्लाई ऑन दैट पार्ट. एंड अपार्ट ऑफ रिगार्डिंग रिपीट एंड ऑल्सो एनीथिंग ओवर देयर नीडेड, सो मेरा क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुका है एंड थर्ड बैच देन इज गोइंग ऑन. सो इफ एनीवन नीड्स एनी काइंड ऑफ हेल्प देन कैन जॉइन थर्ड बैच एंड डेफिनेटली विल बी देयर फॉर यू ऑल. एंड स्टे ट्यून्ड इन दैट पार्ट. और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. नेक्स्ट कुछ वीडियोज आने वाले हैं रिगार्डिंग इसके लिए. तो ये कैरियर ओरिएंटेड है, तो ये तुम लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा. तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस थिंग्स. एंड वन मोर थिंग दैट वेरी सून हम लोग के टॉपर्स जो है इवन बायो में, जिनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, 360 मार्क्स मिले, उनको लेके हम लोग वीडियो लेके मतलब उनके साथ बैठेंगे. वेरी सून विल बी देयर. शायद कल परसों तक वो लोग आएंगे तो हम लोग मिलके, सबके साथ मिलके इस वीडियोज़ को बनाएंगे. और हम लोग का जो एग्ज़ाम सीरीज है यूथ JEE एंड नीट बोथ के लिए, वो भी हम लोग का शुरू होने वाला अगस्त तक. तो प्लीज़ सब कुछ मिला के देख लीजिए. किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो, देन वी आर हियर. एंड स्पेशली फॉर नीट रिपीट एंड लाइक क्लासेस, वी आर हियर. सो एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, मैंने नंबर दिया हुआ है और प्लीज़ देख लीजिए. बाकी कट ऑफ ये एक्सपेक्टेड है, फाइनल नहीं है, येट टू कम. थैंक यू टिल दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट.